दोस्तों, कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके पास धन ना हो। हर कोई व्यक्ति चाहता है उसके पास पैसा हो, धन हो, लेकिन उनकी रसोई में छिपा हुआ होता है करोड़पति होने का राज, और वो खुद नहीं जानते। आप इन छोटे उपायों से माता लक्ष्मी को आमंत्रित कर सकते हैं। माता धन धान की कोई कमी आपके घर पर नहीं छोड़ेंगी। आइए जानते हैं करोड़पति बनने के उपाय। दोस्तों, रोटी आमतौर पर सभी के घरों में बनाई जाती हैं, वो आटा गेहूं का ही होता है। तो आप अपने घर में रोजाना आटा गूंधते हैं। आटा गूंधते गूंधते ही करोड़पति बनने के चांस होते हैं, जिन्हें बहुत लोग टोटके कहते हैं, पर किसी संत के मुख से सुना जाए तो इसे उपाय कहते हैं, जो किसी के लिए भी फायदेमंद होता है। दोस्तों, अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग आटा गूंधा जाता है, लेकिन हमारा एक ऐसा देश भारत है जहाँ पर ज़्यादातर गेहूँ के आटे की ही रोटी बनती है। दोस्तों, गेहूं की आटे में दैवीय गुण होते हैं। अगर गेहूं की आटे में एक खास चीज मिला देते हैं तो रोटियां स्वादिष्ट तो हो ही जाएंगी, साथ में जब आप इस आटे की रोटियां गैस या चूल्हे पर बनाएंगे तो इस आटे की जो खुशबू उठेगी, वो सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करेगी और अपनी तरफ माँ लक्ष्मी को आकर्षित करेगी। तो जब आप अपने घर में आटा गूंथते हैं तो एक चुटकी हल्दी जरूर डालें आटे में। हल्दी माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है, और उस आटे में एक चम्मच दूध भी जरूर डालें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आटा गूंधने के बाद उस आटे में अपनी उंगलियों की छाप जरूर छोड़ें। माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं ये उंगलियों की छाप। ये उपाय करने से आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा, आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, आपके पति की जेब में हमेशा रुपया ही भरा रहेगा, आपके घर में बरकत होना चालू हो जाएगी, आपके व्यापार, व्यवसाय, नौकरी में उन्नति ही होने लगेगी। इस उपाय को जरूर आजमा के देखिएगा, रिजल्ट आपके हाथ में होगा।